भाई और बहनों, साल 2014 में जब मैं आपके बीच आया था, तब की और आज की स्थिति में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। तब यहां हर तरफ एक ही मुद्दा प्रमुखता से छाया रहता था, ये मुद्दा था नक्सलवाद, असुरक्षा का, आए दिन होने वाली हिंसा का। यहां की सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, आप सभी ने इतना सराहनीय काम किया है कि अब गुमला और आसपास का अधिकतर क्षेत्र भय के वातावरण से करीब करीब मुक्त हो चुका है। हिंसा के माहौल के कारण ही इस क्षेत्र में विकास की गति बहुत धीमी रह गई थी। यहां बिजली, पानी, सड़क और रेल कनेक्टिविटी की सुविधाओं पर राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में विकास बहुत धीमी गति से हुआ। यहां उद्योग लगने मुश्किल थे, लिहाजा बड़ी संख्या में यहां के युवा साथियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, ये स्थिति अब भाजपा सरकार ने बदल दी है। नक्सलवाद की चुनौती को खत्म करने में भी हम इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है और हम बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारें, चाहे यहां रही हो या फिर दिल्ली में, उनकी नीति और नीयत दोनों में खोट था। वे नक्सलवादियों को अपनी राजनीति के लिए उपयोग भी करते थे और फिर उनके खिलाफ लड़ाई का दिखावा भी करते थे। लेकिन बीते 5 वर्ष में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने पूरे तालमेल के साथ इस समस्या का समाधान करने की तरफ कदम उठाए। जो भटके हुए नौजवान वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनके लिए भी खुले दिल से प्रयास किए गए हैं। और मुझे मालूम है, ऐसे जो युवक वापस आए हैं, ऐसी जो बेटियां वापस आई है, जिस मां की कोख से उन्होंने जन्म लिया था, जो मां दिन रात बच्चों के लिए रोती थी, बिलखती थी, जब अपने बच्चे लौट के आए तो आज वो माताएं हमें लाख लाख आशीर्वाद दे रही है। आज हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उन लाखों माताओं के आशीर्वाद के कारण कर पा रहे हैं। 30 नवंबर को जब एक बार फिर, और दूसरा चरण होगा दिसंबर में शायद, फिर एक बार जब आप यहां कमल खिलाएंगे दिल्ली और रांची में, अगले 5 वर्षों के लिए फिर भाजपा का डबल इंजन लगाएंगे
तो मुझे विश्वास है कि नक्सलवाद की कमर पूरी तरह टूट जाएगी और विकासवाद की विजय होगी ही।